हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इट्स ओके क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी को धनतेरस की शुभकामनाएं। इसके साथ ही आज हम लोग डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का फिफ्थ पेपर डिस्कस करने वाले हैं। फिफ्थ पेपर है आप लोगों का सामाजिक अध्ययन का। आज इसका हम लोग सिलेबस देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें आप लोगों को सोशल में पढ़नी है। सोशल का जो पेपर है ये 50 मार्क्स का पेपर होता है और काफ़ी ज़्यादा लेंथी पेपर है। आप लोगों के तीन पेपर हैं जो 50 मार्क्स के होते हैं। पहला है बाल विकास का, दूसरा है शिक्षण अधिगम का और तीसरा जो है वो है आप लोगों का सामाजिक अध्ययन का। इन तीनों पेपर को हम लोग पहले डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद हम लोग अदर्स जो सब्जेक्ट हैं उसकी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों को सभी क्लासेस की प्रॉपर नोट्स बना लेने हैं, साथ ही आप लोगों को अपनी नोट्स के सबसे फर्स्ट पेज पर सभी सब्जेक्ट के सिलेबस लिख लेने हैं। मतलब जैसे कि आप लोगों का सोशल का जो सिलेबस है वो आपकी एक प्रॉपर अलग नोटबुक आप बनाएं और उसमें सबसे पहले जो पन्ना है आपका वहाँ पर आप लोगों को सोशल का जो सिलेबस है वो नोट डाउन कर लेना है। ये सिलेबस नोट डाउन क्यों करना है ये देखते हैं। सिलेबस नोट डाउन आप लोगों को इसलिए करना है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों के सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। इसके साथ ही ये आपको हेल्पफुल करेंगे आपके टेट एग्ज़ाम में, क्योंकि टेट एग्ज़ाम इन्हीं आपके फोर सेमेस्टर से ही आपका टेट और सी टेट का एग्ज़ाम होता है। तो आपको जब पता चलेगा कि कौन कौन से टॉपिक हैं तो आप लोग यहाँ से उन टॉपिक को पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो मैं पढ़ा रही हूँ पूरा टेट और सी टेट लेवल तक का पढ़ा रही हूँ, साथ ही आप लोगों के फर्स्ट सेमेस्टर का। तो आप लोगों को सभी टॉपिक्स जो हैं आपको उसका आपको अपने फर्स्ट पेज पर लिख लेने हैं कौन कौन से टॉपिक हैं, साथ ही जो मैं टॉपिक पढ़ाती जाऊँ आप वहाँ पर टिक लगाते जाइए, इससे कि आपको पता चलेगा कि मैं क्या क्या चीज़ें पढ़ा रही हूँ, साथ ही क्या क्या चीज़ें आपकी कंप्लीट हो रही हैं और कितना मैं सिलेबस आपका कंप्लीट करा रही हूँ, इससे ये सारी चीज़ें पता चलती रहेंगी। तो आप लोग जो भी टॉपिक हो जाए वहाँ पर टिक लगा दें। इसके साथ ही हम लोग देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं जो हम लोगों को सामाजिक अध्ययन में पढ़ने हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ डीएलएड से रिलेटेड ऑल अपडेट्स। साथ ही मैंने आप लोगों के डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस भी स्टार्ट कर दी हैं और सभी क्लासेस की नोट्स मैं प्रॉपर अपने हाथों से बना रही हूँ, साथ ही उसमें इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो भी डिस्कस करती हूँ और आपका लास्ट ईयर का पेपर भी डिस्कस करूँगी मैं। तो चलिए देखते हैं क्या है सिलेबस आप लोगों का सामाजिक अध्ययन का। सबसे पहला जो है वो है आप लोगों का फर्स्ट टॉपिक जो या फर्स्ट चैप्टर कह सकते हैं वो है इतिहास। सबसे पहले हम लोग इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। इतिहास में आप लोगों को पढ़ना है इतिहास का अर्थ, महत्व एवं जानने के स्रोत, इतिहास का क्या अर्थ होता है, क्या आवश्यकता है, क्या चीज़ें हैं इतिहास के अंतर्गत, ये हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पुरातात्विक मुद्रा, पुरानी मुद्रा कौन कौन सी है, अवलेख, साहित्य विवरण, साथ ही विदेशी यात्राओं का विवरण, तिथि निर्धारित पद्धतियाँ, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इतिहास में कौन कौन से हम लोगों के पुरातात्विक मुद्राएं थी, अवलेख थे, कौन कौन से साहित्यिक विवरण रहा है, विदेशी यात्राएं कौन कौन सी हुई हैं, उनका किस प्रकार से विवरण है, इसके बारे में हम लोग इतिहास के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है उसके बाद आपका पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति एवं विकास, पाषाण या प्रस्तर काल, ताम्र एवं कांस्य युग, लोह युग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कैसे इस पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति हुई, कैसे मानव का विकास हुआ, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही देखेंगे पाषाण या प्रस्तर काल जो है वो किस प्रकार से चला और जो ताम्र और कांस्य युग आया ये किस प्रकार से आया। ये क्वेश्चन आप लोगों के डीएलएड में भी पूछे जाते हैं, डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर में यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साथ ही आप लोगों के टेट और सी टेट में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को सभी जो भी चैप्टर्स हैं उनके प्रॉपर नोट्स बना लेने हैं और उनका रिवीजन भी प्रॉपर तरीके से करना है। मैं सभी नोट्स की जो पीडीएफ है वो मैं आपको साथ टेलीग्राम चैनल पर शेयर करती हूँ। मेरा टेलीग्राम चैनल जो है इट्स ओके, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। थर्ड टॉपिक जो है वो है आपका नदी घाटी की सभ्यताएँ, कौन कौन सी सभ्यताएँ हैं जो हम लोगों को पढ़नी है वो देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ेंगे हम लोग, मेसोपोटामिया की सभ्यता पढ़ेंगे, उसके बाद मिस्र की सभ्यता और चीन की सभ्यता। ये कुछ आप लोगों की चार सभ्यताएं हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सिंधु घाटी की सभ्यता क्या थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता क्या थी और उसके बाद मिस्र की सभ्यता क्या थी, साथ ही देखेंगे चीन की सभ्यता क्या थी, इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इन सभ्यताओं में क्या क्या चीज़ें हुई, कौन कौन से हम लोगों को तत्व इसमें मिले, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे और कैसे इनका नाम सिंधु घाटी की सभ्यता पड़ा, मिस्र की सभ्यता पड़ा या चीन की सभ्यता पड़ा, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद फोर्थ टॉपिक है आप लोगों का वैदिक काल। वैदिक काल में हम लोगों को पढ़ना है पूर्व एवं उत्तर वैदिक काल क्या था, क्या क्या चीज़ें इसमें रहीं, ये पढ़ेंगे। उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है महाजनपद काल, भारत के प्रारंभिक शोषण महाजनपदों का उल्लेख,
मगध का साम्राज्य, सिकंदर का आक्रमण, उनका भारत पर प्रभाव, क्या क्या चीज़ें ये रहीं, कैसे मगध का साम्राज्य स्थापित हुआ, उसके बाद सिकंदर का आक्रमण किस प्रकार से भारत पर हुआ, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या चीज़ें कैसी रहीं, तो उसके बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का उपनिषद काल, जैन व बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ हम लोग दो धर्म डिस्कस करेंगे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। उसके बाद आप लोगों का भूगोल है जो वो स्टार्ट हो जाएगा, तो यहाँ से आपका भूगोल है और यहाँ से आप लोगों का इतिहास पे हम लोगों को कुछ इतने टॉपिक्स पढ़ने हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, और नेक्स्ट उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है भूगोल। उसके बारे में देखते हैं क्या क्या पढ़ना है भूगोल में। भूगोल में हम लोगों का फर्स्ट चैप्टर रहने वाला है सौर मंडल। सौर मंडल के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे ग्रह के बारे में, उपग्रह के बारे में, क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, आकाश गंगा क्या होती है, उल्का पिंड क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखेंगे मानचित्र, अर्थ एवं दिशाओं का ज्ञान, मानचित्रण के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे हम लोग दिशाओं का ज्ञान कर सकते हैं, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या है, क्या कितनी और क्यों, कौन कौन सी अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं, कितनी हैं ये और क्यों अक्षांश और देशांतर रेखाएं बनी, क्या चीज़ें रहने वाली हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर GMT, IST, इंटरनेशनल डेट लाइन देखेंगे हम लोग, टाइम जोन देखेंगे, मतलब जो हम लोगों के अलग अलग कंट्रीज़ में, अलग अलग देशों में जो आप लोगों की टाइम जोन रहती है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइम होता है, आप लोगों ने देखा होगा, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे कैसे ये टाइम हर जगह डिफरेंट डिफरेंट है, क्या चीज़ें रहती हैं, और इंटरनेशनल मतलब पूरे विश्व में डेट किस प्रकार से चलती हैं, कौन सा कैलेंडर चलता है, इन सब के बारे में यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा पृथ्वी ताप कटबंधी गोलार्ध एवं ध्रुव। पृथ्वी ताप कटबंधी क्या है और साथ ही गोलार्ध और ध्रुव किस प्रकार से हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा पृथ्वी की गतियाँ, पृथ्वी किस प्रकार से गति करती है हम लोग के सौरमंडल में, उसके बारे में देखेंगे। परिभ्रमण देखेंगे, परिक्रमण देखेंगे, क्या क्यों कैसे और इसका परिणाम क्या हुआ, सबके बारे में जो हम लोगों के मन में इंटरेस्ट रहता है ना कि यार ये कैसे हुआ, ऐसे कैसे हो गई ये चीज़, क्यों हुआ, इसका रीज़न क्या था, इन सब के बारे में आपके जितने भी क्वेश्चंस आपके मन में रहते हैं उन सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इन कुछ चैप्टर्स में, बिकॉज इसमें आपको सभी के रीजंस मिलेंगे कि ये चीज़ हुई तो उसका रीज़न क्या था, क्यों हुई और किस प्रकार से हुई और कैसे आप लोगों को इसको समझना है, उन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और कैसे आप सबको बच्चों को समझाना है, पहले आप खुद समझेंगे और उसके बाद आप बच्चे को समझाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा महाद्वीप और महासागर, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये देखिए आपके सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, आप कोई भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो अगर आप इन चैप्टर्स को पढ़ लेते हैं तो आप अदर्स एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हर जगह ही टॉपिक्स पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोगों को बहुत प्रॉपर तरीके से पढ़नी है, साथ ही आप लोगों के इंपॉर्टेंट हैं टेट और सीटेट के बेस पे भी देखा जाए। और अगर आप ये सोचते हैं कि हम लोग इनको लास्ट में रट के कर लेंगे तो देखिए बहुत ज़्यादा लेंथी सिलेबस है, आप बाद में रट नहीं सकते, थोड़ा हो सकता है तो आप उसको रट भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं और क्वेश्चन कहाँ से आ जाएगा ये आपको भी नहीं पता होता है, इस वजह से जब तक आप सारी चीज़ें नहीं पढ़ेंगे आपका बेस अच्छा नहीं होगा, तो आप पेपर में अच्छे मार्क्स भी नहीं ला सकते हैं, इसलिए आपको सबसे पहले अपना बेस बनाना है, देन उसके बाद थोड़ा फास्ट रिविज़न करना है। नेक्स्ट टॉपिक है एशिया महाद्वीप में भारत स्थिति एवं विस्तार पड़ोसी देश। जो एशिया महाद्वीप है उसमें भारत की स्थिति क्या है, विस्तार किस प्रकार से हुआ, पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, धरातल, जलवायु, वनस्पति एवं वन्यजीव। धरातल जो है, जलवायु वहाँ की कैसी है, वनस्पति वहाँ की कैसी है, साथ ही वन्यजीव कौन कौन से पाए जाते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा खगोलीय संगठन, जैसे कि नासा और इसरो के बारे में जानेंगे, ये संगठन किस प्रकार से बने, इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें रहती हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं इसरो और नासा में, इनके फुल फॉर्म्स क्या हैं, उन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आप लोगों का जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, अब ये आप लोगों की यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी नागरिक शास्त्र। अभी तक हम लोगों ने इतिहास और भूगोल के बारे में डिस्कस कर लिया है, अब कुछ चैप्टर्स हैं आप लोगों के नागरिक शास्त्र के, वो हम लोग देखेंगे। तो आप लोगों की चार चीज़ें आती हैं यहाँ पर, एक है आपकी इतिहास, दूसरी है आपकी भूगोल, तीसरी है नागरिक शास्त्र, और उसके बाद है अर्थव्यवस्था। अर्थशास्त्र के बारे में भी हम लोग आगे अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके अंतर्गत हम लोगों को कौन सा फर्स्ट टॉपिक पढ़ना है, तो वो है ग्रामीण एवं नगरीय जीवन शैली क्या रहेगी, ग्रामीण और नगरीय जीवन शैली किस प्रकार से रहती है, ये आप लोगों के टेट का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टेट में इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप ये अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक लगा लें, वैसे सोशल आपकी हर जगह ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये नेक्स्ट टॉपिक भी आप लोगों का टेट और सीटेट में पूछा जाता है, ग्रामीण जीवन, पंचायती राज व्यवस्था, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत का गठन एवं मुख्य कार्य क्या है,
तो इसके बारे में भी यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। यह आपके टेट में प्रॉपर एक अलग से टॉपिक है, आपको वहाँ पर भी पढ़ना होता है। यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी सारे आते हैं। नगरी जीवन नेक्स्ट टॉपिक है। नगर पंचायत के बारे में जानेंगे, नगर पालिका परिषद क्या होता है, नगर निगम का गठन किस प्रकार से होता है, कितने सदस्य चाहिए होते हैं, क्या चीज़ें रहती हैं, मुख्य कार्य क्या इनके होते हैं, इन सब के बारे में देखिए आपको नॉलेज है, थोड़ी बहुत नॉलेज सभी को होगी। बट अगर डीप नॉलेज देखें और कन्फर्म वाली नॉलेज देखें, मतलब आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछ देता है तो आपको कन्फर्म नॉलेज होनी चाहिए कि क्या चीज़ें प्रॉपर तरीके से किस प्रकार हैं। तो उसके बारे में आप लोगों को प्रॉपर तरीके से पढ़ना है कि क्या चीज़ें किस प्रकार रहेंगी। अगर आपसे कोई पूछ लेता है नगर पालिका परिषद क्या होती है, कितने सदस्य होते हैं, किस प्रकार से बनती है, और नगर पंचायत क्या होता है, इनके चुनाव किस प्रकार से, इन सब के बारे में अगर आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। इस वजह से इनको आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ने हैं। इसके बाद इसमें आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा जनपद स्तरीय प्रशासन, कानून व्यवस्था, भूमि व्यवस्था, नागरिक सुविधाओं का विकास, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जनपद स्तरीय प्रशासन के बारे में। पहले हम लोगों ने ग्रामीण एवं नगरीय जीवन शैली देखी, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ग्रामीण जीवन शैली किस प्रकार से होती है, फिर हम लोग देखेंगे नगर में लोग कैसे रहते हैं, उसके बाद जो जनपद है उसको हम लोग देखेंगे कि वो किस प्रकार से रहते हैं, वहाँ भूमि व्यवस्था किस प्रकार से होती है, कानून व्यवस्था किस प्रकार से होती है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा यातायात एवं सुरक्षा, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे सड़क यातायात के नियमों एवं संकेतों की जानकारी, सड़क दुर्घटना के बचाव एवं सावधानियां क्या रहती हैं। नेक्स्ट है रेल यातायात, रेल क्रॉसिंग के संकेतों की जानकारी हम लोग देखेंगे। उसके बाद रेल यात्रा करते समय सावधानियां कौन कौन सी बरतनी चाहिए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लास्ट यातायात संकेतों की जानकारी क्या रहने वाली है। तो ये टॉपिक कुछ आप लोगों को पढ़ने हैं नागरिक शास्त्र में, तो आप लोगों के चार हैं ये मैंने बता दिया, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र। इन सभी के आपके कुछ कुछ टॉपिक रहेंगे फोर्थ सेमेस्टर तक, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर, सभी में कुछ कुछ टॉपिक रहेंगे जिससे कि आपको सभी चीज़ों का ज्ञान हो सके और बच्चों को आप सारी चीज़ें बता सकें। इसलिए ये टॉपिक हैं, ये आपका सिलेबस जो है ये रहता तो 8th और 9th, 10th का भी है, कुछ कुछ चीज़ें ऐड करी हैं, बट आपको पढ़ाना 5th तक के बच्चों को है, लेकिन आपको उससे ज़्यादा चीज़ें आनी चाहिए जिससे कि आपका अगर प्रमोशन हो जाता है 8th क्लास तक में जूनियर लेवल में, तो फिर आप लोग बच्चों को पढ़ा सकें। इस वजह से लास्ट हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे अर्थशास्त्र, यहाँ से आप लोगों की 4th यूनिट जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। और ये है 4th यूनिट अर्थशास्त्र का परिचय, अर्थशास्त्र का परिचय देखेंगे क्या क्या चीज़ें अर्थशास्त्र में आती हैं, इन सब के बारे में मतलब कम नॉलेज होती है आप कह सकते हो, बिकॉज इसमें हम लोग ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते अर्थशास्त्र में, लेकिन अर्थशास्त्र इस टाइम काफ़ी ज़्यादा फेमस होती जा रही है बिकॉज इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड हो गई हैं। और आपको GDP वगैरह के बारे में पता होना चाहिए कि GNP क्या है, NNP क्या है, आप लोगों को ये नॉलेज जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रखती है आप कह सकते हो, आप किसी से डिस्कशन कर सकते हो इन बारे में, लेकिन लोग इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते बिकॉज पैसा वैसे के बारे में लेडीज़ें तो बहुत कम जानकारी रखती हैं, मतलब गर्ल्स को थोड़ा पैसों के मामलों में कम इंटरेस्ट होता है, बैंक वगैरह में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था चल रही है, क्या चीज़ें रहती हैं इनके बारे में। लेकिन अब ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड वे में बढ़ती जा रही हैं, बट अब टाइम के साथ साथ चीज़ें चेंज होती जा रही हैं, अब लोग इन सब चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगे हैं। और ये हम सबको पता है कि ये हम लोगों को इसमें इंटरेस्ट लेना भी चाहिए बिकॉज आप लोग अपनी मनी को सेव करते हो, तो किस प्रकार से आपको सेव करनी चाहिए और किस प्रकार से आपको कितना इंटरेस्ट मिलता है, क्या चीज़ें रहती हैं, इसके बारे में आप सभी को इंटरेस्ट होना भी चाहिए और आप लोगों को पता भी करना चाहिए नॉलेज के लिए। तो इसमें हम लोग कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है अर्थशास्त्र का, विभिन्न अर्थशास्त्रियों के दृष्टिकोण में अर्थशास्त्र क्या है, मतलब जो अर्थशास्त्री भी होते हैं मतलब इनका अलग से एक प्रॉपर प्रोफेशन रहता है, वो लोग इसमें पूरा जानकारी प्राप्त करते हैं, पूरा सर्च करते हैं, उसके बाद वो लोग आपको बताते हैं। तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से विभिन्न अर्थशास्त्री हैं, उनका दृष्टिकोण क्या रहता है, किस प्रकार से उन्होंने अर्थशास्त्र के बारे में बताया हुआ है वो देखेंगे। प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों का अर्थशास्त्र में योगदान क्या रहा है, जैसे कि एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल, रॉबिन्स, J.K. मेहता, अरमत शैन आदि, इन लोगों का हम लोग देखेंगे कि इन लोगों ने किस प्रकार अर्थशास्त्र में योगदान दिया है। और आपको मैं बता दूं कि इसमें अब बहुत ज़्यादा जॉबें भी हो गई हैं बिकॉज लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगे हैं, आप लोगों ने देखा होगा सेल्स मार्केट वगैरह हो गया, स्टार्ट हो गया है, तो इस वजह से सब चीज़ें ऑनलाइन चलने लगी हैं। तो ऑनलाइन में आप लोग देख सकते हैं सेक्सेस मार्केट वगैरह भी चल रहे हैं, जो उनमें भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया और आपको लेना भी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपको अपने पैसे को किस प्रकार से इन्वेस्ट करना है। इसलिए अब इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आ गई है और लोग सीखना भी चाहते हैं और समझ भी रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय आय किस प्रकार से होती है,
उसके बाद इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रीय आय क्या होती है, प्रति व्यक्ति आय किस प्रकार से डिसाइड की जाती है, सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी के हम लोग ये किस प्रकार से निश्चित की जाती है। आप लोगों ने जीडीपी का नाम काफ़ी ज़्यादा सुना होगा कि अपने देश की जो जीडीपी है वो कम हो रही है, वहाँ की जीडीपी बढ़ रही है, इन सब चीज़ों के बारे में आपने सुना होगा। तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि होता क्या है आखिर जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद इसको हिंदी में कहते हैं, और इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसके अंतर्गत क्या चीज़ें किस प्रकार से रहती हैं। नेक्स्ट है शुद्ध घरेलू उत्पाद, एनडीपी के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जीएनपी के बारे में डिस्कस करेंगे। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, एनएनपी के बारे में डिस्कस करेंगे। व्ययांकित आय, पर्सनल इनकम के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखेंगे व्यय योग आय, ये है राष्ट्रीय आय एवं आर्थिक विकास, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग की इनकम जो है वो अलग अलग तरीके के, आपने अकाउंट्स देखे होंगे कि सभी के अलग अलग प्रकार के अकाउंट्स खुलते हैं, तो उनके बारे में हम लोग कुछ कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। साथ ही आप लोगों के जो घरेलू उत्पाद आते हैं उन पे किस प्रकार से इनकम टैक्स वगैरह लगाया जाता है, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये चीज़ें थोड़ी आप लोगों की कह सकते हो कि आप लोगों को एक्टिव रखने के लिए, आपकी नॉलेज के लिए ज़्यादा बेस्ड हैं। आप लोग इस पर क्वेश्चन तो थोड़े कम आते हैं, बट आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, बिकॉज आगे फ्यूचर में आपके ये काम आने वाली हैं इस वजह से। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया कि हम लोगों को कौन कौन से टॉपिक किस प्रकार से पढ़ने हैं। आपको सभी टॉपिक अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेने हैं, और जो भी टॉपिक्स मैं पढ़ाती जाऊँ, जो कंप्लीट होते जाएँ, आप वहाँ पर टिक लगाते जाइए, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी हैं। आप जब भी कोई प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको इसके अंतर्गत आप लोगों को क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं, तभी आप उस प्रिपरेशन को अच्छे से कर सकते हैं और उसमें अच्छे मार्क्स भी लेके आ सकते हैं। तो आप सभी को अपना टारगेट पता है कि आपका टारगेट जो है वो 90% का है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में। सिलेबस मैं आपका पूरा कंप्लीट कराऊंगी, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, आपको प्रॉपर पढ़ाई करते जाना है, जो जो चीज़ें मैं पढ़ाती जा रही हूँ। अगर आज की क्लास आप सभी को पसंद आई हो और आप सभी के लिए हेल्पफुल रही हो, तो अपने फ्रेंड्स और कॉलेज ग्रुप पर शेयर करना ना भूलें। साथ ही हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं और भी चीज़ें, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।